या इसके लिए हम आपका बहुत ही शुक्रगुजार हैं, आपका शुक्रिया तहे दिल से करता हूं। फ्रेंड्स आपके सपोर्ट के बिना हम ये काम नहीं कर सकते थे। आपके सपोर्ट, आपके सहयोग और आपके प्यार से ही हम डे बाय डे आपको वीडियो देते जा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। लगातार कभी मैथ से रिलेटेड, कभी साइंस से रिलेटेड, कभी इंग्लिश से रिलेटेड आपके लिए हम वीडियो लाते जा रहे हैं फ्रेंड्स। उसी कड़ी में आज आपके लिए साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही अहमियत रखने वाला है। आज का टॉपिक जो है, हम आपके दैनिक जीवन में जो प्रयोग होता है उसमें क्या टेस्ट होता है, कैसा टेस्ट होता है, क्या पाया जाता है, उस पर डिपेंड है फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है एसिड्स के ऊपर, मींस अम्ल के ऊपर है। अम्ल क्या होता है? जैसे हम आम खाते हैं, इमली खाते हैं, नींबू खाते हैं, ये सब चीजें खाते हैं, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम खाते हैं और खाने के बाद हमें कैसा लगता है? वो खट्टा लगता है, शोर होता है, खट्टा होता है। तो खट्टा क्यों लगता है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक जो है अम्ल है, एसिड्स है, और इसके अंतर्गत हम बताएंगे कि जनरली हम जो पदार्थ यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, खाते हैं, जैसे सिरका हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, सो हम आपके दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले कुछ पदार्थ हैं ये, जिनमें ये सब एसिड पाए जाते हैं दोस्तों। इसको हमेशा याद रखिएगा। जैसे सिरका है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। संतरा है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू है, साइट्रिक एसिड इसमें भी पाया जाता है दोस्तों। इमली, टार्टरिक एसिड पाया जाता है दोस्तों इसमें। टमाटर, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है इसमें। दही, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। और आम, मैंगोफेरो इंडिका होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों। और इसमें जो अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, वो क्या होता है दोस्तों? गैलिक एसिड होता है। ओके फ्रेंड, ये था आपका आज का एसिड। तो एसिड क्या होता है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, एक बार रिपीट कर देते हैं। अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये ब्लू लिटमस पेपर को जो है रेड में बदल देता है। जब भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये जो अम्ल होते हैं वो ब्लू को क्या कर देते हैं दोस्तों? रेड कर देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हमने दिख रखा है, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, और भी बहुत से एग्जांपल होते हैं कार्बनिक अम्लों के होते हैं। कार्बनिक अम्लों के होते हैं, उनका बाद में विस्तार में चर्चा किया जाएगा दोस्तों। तो इस तरह ये था अम्ल, आज का ये टॉपिक था फ्रेंड। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर टेन चुनर। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।